सबसे पहले चाबी लेके इसको इसका इग्निशन पे जाके हमने इसका हाफ इग्निशन ओके करना है। हाफ इग्निशन ओके करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं इसका मीटर रीडिंग आ गया सामने, राइट। तो मीटर रीडिंग आने के बाद हमने क्या करना है, इसको सर्विस रीसेट करने के लिए पहले ये फ़ोन वाला एंड ये ओके, ये दोनों हमने बटन इसको प्रेस करने हैं एक साथ, जस्ट लाइक दिस। जैसे कि 3 से 4 सेकंड प्रेस करने के बाद इसमें लिखा आ गया व्हीकल डाटा, रोलर टेस्ट, पैड रिप्लेसमेंट एंड असिस्ट प्लस। हमने जाना है असिस्ट प्लस। अब असिस्ट प्लस पे कैसे जाएंगे, इन बटन के थ्रू, एरो जो ऊपर नीचे दिए हुए हैं, राइट। असिस्ट प्लस आने के बाद इसको करेंगे ओके एंड देन हम आएंगे फुल सर्विस पे, क्योंकि हमने इसकी कंप्लीट सर्विस ली है, एंड देन कंफर्म फुल सर्विस एंड ओके। यस यस कंफर्म एंड हमने कंफर्म का कर दिया है। अब ये 3 से 4 सेकंड में देखिए फुल सर्विस कंप्लीटेड। अब ये 3 से 4 सेकंड में इसकी सर्विस कंप्लीट हो गई। तो ये हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। आइए हम दिखाते हैं आपको इसको किस तरह से चेक करना है। इसका इग्निशन फुल ऑन करके इसकी ये जो एरो है कुछ इस तरह से, ये देखिए सर्विस पे आ गए। सर्विस पे आने के बाद इसको असिस्ट प्लस पे आके इसको ओके करेंगे, देन हमारी सर्विस रीसेट हो चुकी है, सर्विस D7 in 365 देन ओके।